नमस्कार। आज अपन जानेंगे कि जब भारत में मुगल आए राज करने के लिए, तो मुगलों ने पूरे भारत में कई शहरों के नाम बदले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में मुगलों ने शहरों के नाम क्यों नहीं बदले। हर जगह उन्होंने नाम बदले, लेकिन राजस्थान में वो नाम नहीं बदल पाए। इसके पीछे का कारण आप जानते हो? इसके पीछे का कारण आज अपन जानेंगे। देखिए आप, मुगलों ने राजस्थान के शहरों के नाम क्यों नहीं बदले? मुगलों ने भारत में करीब 704 शहरों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के नाम बदले। पता है आपको, एक आरटीआई लगी थी जिसमें पता किया कि मुगलों ने कितने शहरों भारत में कितने शहरों के नाम बदले और धार्मिक स्थलों के नाम बदले। तकरीबन 704 शहरों के नाम बदले, उसमें से शहर भी आ गए और धार्मिक स्थल भी आ गए। देखिए आप, इसमें बदलने वाले कौन कौन से मुगल थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इन्होंने भारत में शहरों के नाम बदले और धार्मिक स्थलों के भी नाम बदले, लेकिन ये राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? देखिए आप, कारण राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मुगलों के इतिहास में यदि किसी धरती पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए तो वह राजस्थान में हुए। नोट करने की बात, नोट करना आप। अगर मुगलों के इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर युद्ध हुए तो वह राजस्थान में हुए। मुगलों का सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ तो वह राजस्थान में हुआ। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं था जो युद्ध के मामले में राजस्थान को टक्कर दे सके। अगर मुगलों को सबसे ज्यादा मुंह की खानी पड़ी, सबसे ज्यादा अगर संघर्ष करना पड़ा तो राजस्थान में करना पड़ा। जितने भी मुगल आए उनके मुंह पर एक ही नाम था, राजस्थान। इस एक ये कारण भी था। सेकंड, युद्ध में हारे राजस्थान के राजाओं ने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध हुए, राजस्थान के राजा हारे, इसी बात भी नहीं, नहीं हारे, हारे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समय की प्रतीक्षा की। जैसे जैसे मुगल कमजोर हुए, वैसे वैसे लोकल राजा मजबूत होते गए। राजस्थान के राजा ने युद्ध किए और हारे भी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे 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 वापस अपने आप को मजबूत करते गए, और जैसे जैसे वो मजबूत करते गए और मुगल कमजोर होते गए, और मुगलों की और जैसे जैसे मजबूत हुए तो उन्होंने सारे नाम वापस चेंज कर दिए, और मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वो नाम वापस बदलने की। 17वीं शताब्दी में राजस्थान में मुगलों द्वारा बदले गए सारे नाम अस्वीकार कर दिए गए। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने नाम बदले, लेकिन वहां के राजाओं ने वापस सारे नाम अस्वीकार कर दिए। और उस वक्त ये रीजन था कि वहां के राजा वापस लोकल राजा मजबूत होते गए और मुगल कमजोर होते गए, और वो कुछ नहीं कर पाए। थर्ड कारण देखिए, मेन इंपॉर्टेंट कारण, मुगलों ने केवल उन्हीं शहरों के नाम बदले जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों के पास चला गया था। एक बात और ध्यान रखना, मुगलों ने उन्हीं शहरों और धार्मिक स्थलों के नाम बदले जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों के हाथ में चला गया था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं था। राजस्थान में राजा युद्ध जरूर हारे थे मुगलों से, लेकिन वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी वहां के लोकल राजाओं के पास में ही था, मुगलों के पास में नहीं था। यह सबसे बड़ा कारण था। इसलिए मुगल राजस्थान में कई शहरों के या कई धार्मिक स्थलों के नाम नहीं बदल पाए थे। बाकी अदर स्टेट, इंडिया के अदर स्टेट में देखो तो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने मुगलों ने ले लिया था। इसी कारण वो शहरों के नाम बदलते गए, धार्मिक स्थलों के नाम बदलते गए। यहां के राजाओं ने केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखा। राजस्थान के राजाओं की सबसे बड़ी मजबूत बात यही थी। इसी कारण मुगलों ने राजस्थान में शहरों के नाम नहीं बदल पाए और धार्मिक स्थलों के नाम भी नहीं बदल पाए। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि भारत में हर जगह मुगलों ने नाम बदले, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं कर पाए। यही रीजन था कि राजस्थान में वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए।